हमारा टॉपिक है कुकीज़ इन सर्वलेट और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कुकी क्लास को जावा में ये क्लास एग्जिस्ट कर रही है सर्वलेट के साथ और जावा डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी डॉट कुकी क्लास है क्लास प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ यूजिंग कुकीज जो भी हमने थोरेटिकली डिस्कस किया कि दो तरह की कुकीज हैं इसी तरह से ये आ, क्लास जो है हमें उस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है इट प्रोवाइड लॉट ऑफ यूजफुल मैथड फॉर कुकीज अब ये आप देख सकते हैं एक टेबल है इसमें इस क्लास के कंस्ट्रक्टर मेंशन है और उनकी डिस्क्रिप्शन है आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, है जिससे कुकी का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाता है इसी तरह से एक और ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है जिसमें स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग वैल्यू आप पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कुकी विद स्पेसिफाइड नेम एंड वैल्यू इसी तरह से मेथड है सेट मैक्सेज गेट नेम गेट वैल्यू सेट नेम एंड सेट वैल्यू तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं ये तमाम मेथड्स और आपको ये पता लग रहा है कि कुकी की क्लास में ये तमाम वेल्यूएबल uh, मेथड्स हैं जिनको आप प्रोग्रामिंग करते हुए यूज कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट अ कुकी सिंपल कोड टू क्रिएट अ कुकी सिंपल आप कुकी की क्लास का नाम लिखिए आगे कुकी का ऑब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए फॉर एग्जाम्पल इधर हमने सी के किया इज इक्वल टू न्यू कुकी और यूजर डबल कोर्स में और ये बेसिकली आपकी आपके ऑब्जेक्ट का नाम है और अहमद खान उसकी वैल्यू है और इसी तरह से रिस्पांस डॉट ऐड कुकी और उसमें सीखे तो ये बेसिकली जब आप रिस्पांस दे रहे होंगे सर्वर से तो आपने ये कुकी का ऑब्जेक्ट क्लाइंट के ब्राउजर पर भेज दिया और इसी तरह से आप डिलीट कैसे कर सकते हैं कुकी को अगर आपने डिलीट करनी है तो सिंपल कोड टू डिलीट कुकी इट इज मेनली यूज टू लॉग आउट द यूजर तो जब लॉग आउट होता है तो आप परसिस्टेंट कुकी के केस में आप कुकी को डिलीट करते हैं कैसे करेंगे कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया उसी तरह से और सी के डॉट सेट मैक्स एज जीरो मैक्स एज आपने यानी जो इसकी मैक्सिमम टाइम पीरियड तक ये कुकी सर्वाइव कर सकती है यहां पर वो वैल्यू देनी है तो ऑब्वियसली इसको अगर आप जीरो लिख रहे हैं इसका मतलब आप फौरी तौर पर इसके डिलीट करें तो रिस्पॉन्स डॉट एड कुकी ठीक है तो ये जैसे ही आप रिस्पॉन्स भेजेंगे तो ये कुकी जो है ये डिलीट हो जाएगी तो बेसिकली लॉग आउट जब कोई प्रेस करता है तो ये रिक्वेस्ट है और उस रिक्वेस्ट में आप बेसिकली कुकी को डिलीट कर कर वापस भेज दें सेट मैक्स एज को आप जीरो सेट कर दें तो ये आ, कुकी डिलीट हो जाएगी और उसको रिस्पॉन्स में अपेंड कर दें इसी तरह हाउ टू गेट कुकीज अगर आप कुकीज भेज चुके हैं और उसके बाद आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो लेट्स सी द सिंपल कोड To get all the cookies. तो cookies की हमने एक array बनाई है आप देख सकते हैं सीके और इसमें सब्सक्रिप्ट मैंशन कर दिए रिक्वेस्ट ऑट गेट कुकीज तो जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट के साथ कुकीज के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे सीके में लोड हो जाएंगे और अब आप एक लूप चला रहे हैं और उनको गेट नेम और गेट वैल्यू के जरिए उस लूप के अंदर आप वेल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो ये एक आप एक तरीका है गेट कुकीज का तो गेट कुकीस जो है तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट पर ट्रीव करता है आप उसे किसी एरे में पिक कर सकते हैं और उसके बाद लूप के जरिए प्रोसेस कर सकते हैं इसी तरह से सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सर्वलेट कुकीस वी आर स्टोरिंग द नेम ऑफ द यूजर इन द कुकी ऑब्जेक्ट एंड एक्सेसिंग इट इन अनादर सर्वलेट तो बेसिकली आपके सामने एक पेज होगा अभी हम डेमो में देखेंगे एक पेज है वेब पेज है या एशियमल पेज है जिसमें हम यूजर का नाम जो है वो डालेंगे और वो बेसिकली कुकी ऑब्जेक्ट में हम सेट कर देंगे जो दूसरे सर्वलेट में एक्सेस करेंगे एज वी नो वेल दैट सेशन कोरस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर यूजर तो जाहिर है जैसे ये एक यूजर जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है उसके बाद रिस्पांस आता है और उसके बाद फिर उसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट सर्वर पर जाती है तो बेसिकली ये, ये उस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो मेकेनिजम है उस यूजर से बिलोंग कर जाता है तो इस चीज को हम सेशन बोल रहे हैं बेसिकली तो एक यूजर से एक सेशन बिलोंग कर रहा है सो इफ यू एक्सेस इट फ्रॉम टू मैनी ब्राउजर विद डिफरेंट वैल्यूज यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑब्वियसली तो अगर आप एक यूजर को डिफरेंट ब्राउजर के जरिए एक्सेस करना शुरू करेंगे ऑब्वियसली आपको डिफरेंट वैल्यूज ही इसमें रिट्रीव होंगी एग्जाम्पल है आपके सामने कि ये एक पेज है जिसमें नेम आप इनपुट करेंगे ये नेम जो है सोलेट वन को सबमिट होगा जैसे ही आप गो प्रेस करेंगे और सर्वलेट वन जो है इसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वेलकम और आपका नाम जो है वो आगे यूजर के तौर पे प्रिंट कर देगा और उसके बाद उस पेज को जब आप गो करेंगे तो ये सर्वलेट टू पे जो है ये सबमिट होगा और सर्वलेट टू इसका रिस्पांस जनरेट करेगा हेलो और आगे उसी यूजर को तो इनफेक्ट आपने एक वेल्यू जो थी वो आप देख सकते हैं कि एक सर्वलेट को पास की उससे आगे उसके रिस्पॉन्स तक गई उस रिस्पॉन्स से आगे अगले सर्वलेट तक ये तो ये इनफेक्ट सर्वलेट चेनिंग हो रही है कि आपने एक वेब पेज से जो वैल्यू थी वो मल्टीपल सर्वलेट तक आगे पहुंचा दी और जो सेकेंड लेवल का सर्वलेट था वो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है उस वैल्यू के साथ तो ये कुकीज के जरिए ये चीज पॉसिबल हो रही है और अब हम देखते हैं कि कुकीस को किस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ड्रावा के कोड के जरिए